गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपकी हेल्प करता है तो आप दूसरों को इसकी हेल्प करो। आपको लगता है किसी की इस वीडियो से शेयर करने से हेल्प हो जाएगी तो ये वीडियो ज़रूर उन लोग बच्चों को शेयर करो, ठीक है। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन रह गए थे 6G के, तो मैं आज कंप्लीट करा देता हूँ। टाइम नहीं मिल पाया, 2-3 दिनों का गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो कुछ अब भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे इसमें। हम ना एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 5x कॉमन ले लेते, क्या 5x स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 5। ओके, बात समझ में आ गई। अगर हम चाहें यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा सकते क्योंकि इसके अंदर भी छोटे ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। सॉरी, अब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पहले जैसे बन गया जो आपको करा थे। इस तरीके जब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15, और 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 आ जाए, तो 5 3 15 तो ये बन भी जाएगा, ये 5x² बाहर ही रहेगा, तो 3x² माइनस 5x माइनस 3x। आप इसे मत लिखना, बस मैंने ये नॉलेज के लिए आपको बता दिया 15 के फैक्टर करने हैं, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या करना, इस माइनस का मल्टीप्लाई है 5x प्लस का 3x माइनस का 5। अब मुझे क्या करना है, इसमें से x कॉमन लेना, तो x कॉमन लेंगे 3x माइनस 5, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे 3x माइनस 5। तो आप देखेंगे हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हमारे हो जाए, ठीक है। तो हमारा आंसर विल बी दिस, ठीक है, कोई टफ नहीं, बस थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा एक था 5x कॉमन लेना, और ये अंदर वाला पूरा सिस्टम ये पहले जैसा है, ठीक है बच्चों। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन के साथ ही हम कर सकते हैं कि देखो इसमें से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ 3 नहीं ले सकते हैं, 27 है, तो हम एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। अब 14 और 27 का मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो तो ये हमारे इतना आ गया, मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा। अब इसके फैक्टर ऐसे करें कि हमारा ये मिल जाए, तो इसके देखो फैक्टर कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से करना, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ बन सकता है। वन ये आएगा 8, ये 9, ये 3 से काटेंगे 6, 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे 7। तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे इतना मिल जाए, तो देखो ये 9 7 63 हो जाता, 9 7 63 में 6 माइनस करो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 57 आ जाएगा। तो हमारे जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 63 माइनस 6
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमारा ये मिल जाएगा। तो ऑल ओवर मुझे फैक्टर करने के लिए मुझे इतना सब कुछ ड्रामा करना पड़ा, इस 14 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा तो हमारा इतना आ गया, इसका फैक्टर के इसका मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा 57 आ गया। तो फैक्टर हमारे क्या हो गए, 63 माइनस 6। ठीक है, इतना ध्यान रखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो हमारे ऑल ओवर फैक्टर क्या, ये एक्स वाली रहेगा बच्चों 14, ये 63 xy-6 xy-27 y². ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, आराम से किया जाए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं कॉमन लेना, तो 7 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ हमारा 9 बचेगा और ये y बचेगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से हम y कॉमन ले, y 3 भी कॉमन लेंगे, 3y कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 2x-9y, देखो फैक्टर आराम से हो गए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गए, यानी कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, पहले तो ये वाला लिख लेते हैं, ये एक फैक्टर कॉमन होगा और ये, तो कितना भी टफ क्वेश्चन हो अगर आप उसे प्रोसेस के साथ करेंगे तो बच्चों गलती करने के बहुत कम चांस रहते। देखो ये क्वेश्चन इतना टफ था कि बच्चे ज़्यादातर इसमें गलती कर देते, लेकिन मैंने सिस्टम से किया बिल्कुल सही हो गया है, ये फैक्टर करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आराम से कर दी मैंने फैक्टर। अब देखो बच्चों, अब मुझे क्या करना है, इसमें से माइनस एक्स कॉमन लेना है, तो माइनस एक्स जब कॉमन लेंगे, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो हमारा कितना बनेगा, प्लस का 3x², ये माइनस का 16x, ये प्लस का 16। ठीक है, ये देखो साइन हमारे अपोजिट हो जाए, तो माइनस तो ये बाहर रहेगा। अब देखो जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कहना 48। अब हमें प्लस करने से हमारा 16 आ जाएगा, 12 4 48 हो ना, तो ये देखो माइनस 12x + 4x + 16। इसे लिखने की जरूरत नहीं, बस हम आपको बता दें कि इसके फैक्टर किए जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना, 12x - 4x + 16। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, माइनस का एक्स, इन दोनों में से 3x कॉमन लेना, एक्स बचेगा या 4 बचेगा, या माइनस का 4 कॉमन लेना, एक्स बचेगा या माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, माइनस का अब ये कॉमन हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से एडवांस लेवल है, थोड़ा कॉमन वॉमन लेना पड़ेगा, इसमें हम x² कॉमन लेंगे, साफ दिख रहा है x² कॉमन, तो 4x² बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 4x बचेगा, यहाँ पर 15 बचेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हमारा कितना 60, और 60 के x से फैक्टर किया जाए कि हमारा 4 हो जाए, तो 10 में 6 आएगा तो 4 बचेगा, देखो हो गया। अच्छा सॉरी, माइनस आ जाएगा, साइन भी चेंज तो करना है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर देखो है तो प्लस आएगा, तो वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं, तो देखो 10x 6x 15, क्योंकि ये यहाँ प्लस लगा तो वेक्टर को ब्रैकेट की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती, तो यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 कॉमन लेंगे माइनस का तो यहाँ 2x बचेगा,
यहाँ प्लस का 5 बचेगा, ठीक है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कॉमन एक फैक्टर है हमारा, ठीक है, और ये इसके साथ आ जाएगा। देखो अगर आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करोगे तो गलती होने के चांस बन ही नहीं सकते, तो सिस्टम से करोगे। बच्चे ज़्यादातर एकदम स्पीड में चलते हैं, बच्चे ज़्यादातर जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए, ऐसा कभी होता नहीं। अगर आपको सिस्टम से चाहिए ना तो आपको एक सिस्टम के साथ स्टेप बाई स्टेप को करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन को देखो, जरा सी भी मिस्टेक होती क्वेश्चन गलत कर बैठते, कोई सा क्वेश्चन ले इसमें से, लोग कहीं भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसमें से हम क्या ले सकते हैं, हमें इसमें से हम ले सकते हैं एक्स कॉमन 256। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, 25 क्वेश्चन को, 25, हाँ 25 सही है। तो ये 56 एक्स स्क्वायर 15x, और ये हमारा, ठीक है, और 56 56 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितना आएगा उसके हमें फैक्टर करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 56 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करना बहुत आसान है, ये 36 थ्री क्या है, ठीक है, ये 5 5 6 या 30, 32 या 60, और 60 और 3 63, अब 5 2 या 25 25 25 और 6 25 और 6 31, तो ये हमारा फैक्टर ये आ गए, ये आ गए, तो हमारा 31 31 36 ये आ गए। अब इसके फैक्टर करेंगे, देखो 2 से काटेंगे, 1 5 6 8, फिर 2 से काटेंगे, माइनस होने से 15 आना चाहिए, थोड़ा सा टफ बनेगा, यहाँ 7 8 4, यहाँ फैक्टर हो नहीं पाएंगे, हमें लगता है यहाँ करना पड़ेगा, 2 से काटेंगे, 1 5 6 8 7 8 4 3 9 2, 1 9 6, नाइन एट फोर नाइन, ये हो गया। अब ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा माइनस होने से 15 आए, 59, तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 2 98 98 हो गया। अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 8 4 32, 32 माइनस करो, इनकी नहीं होगी, यानी कि एक मिनट को, 32 या 62 64, यानी 64 64 माइनस 49, ये आ गया 15 आ गया, यानी 64 माइनस 49, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 49, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ना, तो हमारे फैक्टर क्या है, 64 माइनस 49 आ गए। तो आप इससे आराम से निकाल सकते, किसी का मल्टीप्लाई किसी के साथ करो, बस हमें फैक्टर को मिलना चाहिए, फैक्टर बनना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा 64x माइनस 49, अब जो एक्स यहाँ दोनों में से 8 कॉमन होगा, 8x, यहाँ बचेगा 7x, या प्लस का 8, ठीक, या माइनस का 7 कॉमन ले तो 7x प्लस का 8 बन गया, कितना इजी था एक्स। अब ये फैक्टर हमारा कॉमन हो जाएगा, ये ठीक है बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार, ठीक है, कुछ मज़ा भी आया करने में। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन लिख सकते, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे, लिखा तो हम आ जाएगा 32 एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर को मान लिया तो
एक्स वाई, यहाँ लेंगे तो माइनस का 5y² 32 लिखाना है, 32 लिखना है, ठीक है। 32 का मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 2 10 15 और 16, मैंने यानी कि 160 के फैक्टर ऐसे करो कि हमारा 12 आना चाहिए। तो भाई करते हैं भाई, 12 आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे, हाँ माइनस से आना चाहिए, 20 28 जा सही, 28 जा हो जाएगा, 28 जा, ठीक है। तो आ गया, करने की ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस बोर्ड की तरफ देख रहा था, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, तुम्हारी तरफ देखूँगा तो क्वेश्चन गलत कर बैठूँगा, ठीक है। तो इस वजह से 20xy 8xy -5y², ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, माइनस करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं कॉमन, भाई 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4x कॉमन लिया, कितना बचा 8x, यहाँ से कितना बचेगा 5y, इसे माइनस का क्या कॉमन लो, 1 ही कॉमन लो, वाई माइनस वाई वाई लेते हैं, तो 8x प्लस का 5y बन गया। एक्स स्क्वायर तो कॉमन ही है और हमारा एक फैक्टर ये कॉमन आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, अगर आप किसी दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को रोक के दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में, क्योंकि आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो अच्छी चीज़ आपके माइंड में आती है कि हम दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम पॉजिटिविटी के आगे तरफ चल रहे हैं। तो इस पॉजिटिविटी से आपको घाटा कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आपको मिलता ही रहता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं। चाहो तो यहाँ 2 से 2 कॉमन ले सकते हो, कितना हो जाएगा, ठीक है। सिक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 6 से लेते तो और इजी पड़ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया दोबारा दूसरा ले लेंगे, कोई वो तो नहीं। 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 5m², या 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 6 कॉमन लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा फैक्टर करना, ठीक है। अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 का करेंगे 10 3 जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, तो बहुत आसान हो गया। एक चीज़ कॉमन लेने से कितना हो जाएगा, 5m, m बचेगा यहाँ प्लस का 2n माइनस का, ठीक है। आगे करेंगे माइनस का क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो n माइनस का 2n, ठीक है। तो 6m माइनस 2n और 5m माइनस 3, ये बचे, ठीक है। तो फाइनली हमारे ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे की हेल्प करना ना भूलें, ये सबसे पढ़ाई का सबसे अच्छा मंत्र है, आप दूसरे की जितना हेल्प कर दें, टीचिंग लाइन में यही एक सबसे अच्छी बात है, आप ऑनेस्टी के साथ जितना दूसरे की हेल्प करोगे आप उतने ही ग्रो होंगे, उतने ही शाइनिंग आपके अंदर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।